नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और परसों शाम से, जब से रिजल्ट आया है मेनली, बहुत अधिक ये कमेंट है टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए कि टाइपिंग जो कट ऑफ आया है उससे मेरा एक नंबर अधिक है, किन्हीं का पॉइंट में अधिक है, किन्हीं का चार नंबर अधिक है, तो क्या ये सिक्योर स्कोर है या नहीं है, बात करने वाले हैं उसी पे। पर इससे पहले बता दें, अगर आप अभी भी ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का जो सेल है अभी चल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ आपको 550 से अधिक एग्ज़ाम है, जैसे कि आगे ग्रुप डी का है, BSSC, BPSC, MTS, LDC, CGL, जो भी एग्ज़ाम है, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, सबका प्रैक्टिस सेट उसमें दिया गया है, एग्ज़ाम में होता है वैसा ही दिया गया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड यूज़ करना है MBO, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ से जिनका थोड़ा भी अधिक है वो सिक्योर ही समझिए अगर उनको टाइपिंग आता है, क्योंकि इस बार जैसा रिलीज़ किया गया है बहुत सारा सीट खाली रह के चला जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इस बात को समझिएगा। जैसे सिकंदराबाद का था तो मैं उसका सही से देखा, इलाहाबाद का भी, 3-4 जोन का मैं देखा, किसी किसी जोन का कम है, पर अब अपने जोन में सीट देख लीजिएगा। अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है तो संभव तो थोड़ा भी अधिक है तो आपका चांस बनता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे लेवल 5 में सिकंदराबाद का अगर आप देखिएगा तो 200 के आसपास सीट जो है वो टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए है, वहीं अगर आप देख लीजिएगा नॉन टाइपिंग पोस्ट तो वो 1500 के आसपास है। तो जाहिर सी बात है ना, 200 का 8 गुना लिया 1600 बच्चा, 1500 तो नॉन टाइपिंग वाले में चला जाएगा, बच्चा 100, फिर भी 100 सीट खाली चला जाएगा। तो इसीलिए हर जोन का अलग अलग सिनेरियो है, हो सकता है कहीं पे अधिक हो किसी पे कम हो, पर अधिकतर जोन में ऐसा ही है, ठीक ना। तो इसीलिए हिम्मत नहीं आ रही। और लेवल 2 में कम से कम जिनका रिजल्ट हुआ है वो तो पूरा शिद्दत से कर लीजिए, क्योंकि उनका बहुत अधिक चांस है होने का। ओके, तो ओवरऑल इस वीडियो में यही कहना चाहेंगे, अगर थोड़ा सा भी आपका अधिक है ना तो पूरा जियो जान लगा दीजिए। जिनका भी टैपिंग कम से कम 20-22 तक जा रहा है, 22 तक जा रहा है, 22 का मतलब ये हो जाता है कि अगर आपको, अगर पूरा कौन सा बटन किस फिंगर से दबाना होता है, अगर वो आपको 100% पूरा याद हो गया है तो आपका स्पीड 20-22 तक चला जाएगा। अगर उतना चला गया है तो अभी अगर सही से काम कीजिएगा, 4-5 घंटा अगर कीजिएगा तो संभवतः 30 तक चला जाएगा। और एक चीज़ कहना चाहेंगे, टाइपिंग कर रहे हैं कीजिए, साथ में ग्रुप डी को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए। जिनका भी थोड़ा थोड़ा से मार्जिन हो रहा है, जिनको थोड़ा अपने पे डाउट लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि सबको ये अंदर से आभास हो जाता है भले ही कोई कुछ भी कहे, तो आप ग्रुप डी का सेट कम से कम दिन में एक जरूर दीजिए और टाइपिंग के लिए अपना जितना हो सके टाइम दीजिए, ठीक ना, क्योंकि ये अधिक चांस है। हमको पर्सनली ऐसा लग रहा है, हालांकि आगे RRB क्या करेगा, हो सकता है कुछ और मतलब कट ऑफ दे दे, कुछ कर दे, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि सीट बहुत अधिक खाली ही चला जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए अगर क्वालिफाई किए हैं तो पूरा एफिशिएंसी लगाइए। एक चीज़ और, बहुत अधिक आप चैनल पे देखोगे कि प्रत्येक जोन का आएगा कि इतना से अधिक कट ऑफ, 4 नंबर अधिक है तो आप सिक्योर हैं, 2 नंबर से कम है तो दिक्कत है, इस सब चीज़ पे बहुत अधिक दिमाग नहीं दीजिए। आप खुद अपने जोन का देख लीजिएगा कि कितना सीट है, कितना ये है, तो जनरली सब में ऐसा ही है। इसलिए थोड़ा भी अगर चांस बन रहा है तो पूरा जोर लगा दीजिए, क्योंकि कुछ कुछ हमेशा कहते हैं ऊपर वाले पे ही छोड़ देना चाहिए। जिनका टाइपिंग ख़राब भी है ना, और हम बोल दिए कि नहीं जिनका 20-22 से कम है तो उनका मुश्किल है थोड़ा, मेरे भाई सब कुछ में एक्सेप्शन हो सकता है, क्या पता आप 1 महीने में ही पूरा कर लो, क्योंकि इस बार एक बच्चा LDC में नहीं सीखा हुआ था, 1 महीना पहले सीखना शुरू किया और वो पूरा कंप्लीट कर दिया, हालांकि उसमें बैक स्पेस का था, पर फिर भी आप चाहो तो उसको कर सकते हो, ठीक ना। तो इसीलिए मोटिवेटेड रहिए और पूरा ट्राई कीजिए, हो सकता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।